गाइस कैसे हो, आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल लाइन में देख ही लिया कि आज का इस वीडियो हमारा किसके बारे में होने वाला है। या दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है KTM बाइक, जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है इस बाइक को चलाने का, इस बाइक को ख़रीदने का। वही बाइक मैं लेके आया हूँ इस बसी मिले इंडोनेशिया गेम में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या खास है इस बाइक में और इस मोड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल के आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रही है KTM बाइक मोड, जो कि हमें कैमरा का एंगल अगर ऐसा रखे तो हमें बहुत, अगर हम जूम करके भी देखें तो हमें ये बहुत ही छोटी दिखाई देती है, क्योंकि ये एक बाइक मोड है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह टायर भी एकदम अच्छी तरह से दिख रहे हैं। मुझे तो ये मोड बहुत ही अच्छा लगा। इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो जिसने भी मोड बनाया उसने बहुत ही अच्छा बनाया, लेकिन सिर्फ ये जो ऊपर बैठा हुआ जो इंसान है वो उसने बहुत ही बड़ा बना दिया है, बहुत ही ताकतवर दिखाई दे रहा है। मुझे ये मोड बहुत ही अच्छा लगा, आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना। अगर हम इसमें ब्रेक लगाते हैं स्लिप होकर आगे चली जाती है कोई बात नहीं है, तो एक अच्छी है। जैसे हम स्टंट कर रहे हैं उसे ऐसा दिखाई देता है। तो आपको मैं इसे थोड़ा नज़दीक से दिखा दूँ, तो ये देख रहे हैं आप लोग सेम टू सेम आपको KTM बाइक दिखाई दे रहा है इस मोड में। बहुत ही अच्छा है ऐसे तो जिसने बनाया, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। जो आगे का थोड़ा कुछ आता है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन नहीं बहुत ही अच्छा है। चलो ठीक है, सेम टू सेम लगता नहीं कि ये और एक मोड है, ऐसा ही लग रहा है कि नहीं ये एक असली KTM की तरह ही है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो यार ये मोड वैसे तो बहुत ही अच्छा बना है। इसकी अगर ब्रेक की बात करें तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर हम आपकी इसको ज़्यादा स्पीड होती है और जब हम इसको ब्रेक लगाते हैं तो ये स्लिप होकर आगे चला जाता है, जैसे कि हम एक स्टंट कर रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। इसके स्टेयरिंग सिस्टम की बात करते हैं, देखो बिल्कुल ही बिल्कुल KTM की तरह दिखाई दे रहा है इसको। अगर हम बहुत ही उसका पिकअप की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पिकअप है, बहुत ही अच्छा चलता है। मुझे तो ये मोड बहुत ही अच्छा लगा इस तरीके से। इसकी स्पीड भी ये बहुत ही तुरंत पकड़ लेते हैं, आप वहाँ पे स्पीड ऊपर दिख रही है उस पर देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये स्पीड पकड़ लेता है। साइड ग्लास में भी अगर देखें तो ये बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें एक अच्छी बात है कि अगर आपको टोल टैक्स के बीच में से निकल रहे तो आपको टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर इससे चलाते हैं तो। ये थोड़ी पलट गई, आपको टोल टैक्स के पास जाके दिखा दें। अगर हम इसके पास निकलते हैं तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोड ऐसा बना है कि यार नीचे से गाड़ियाँ आसानी से निकल सकती है। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। देख रहे हैं मैं बिना टोल टैक्स पे किए यहाँ से निकल गए। तो यार और कुछ खास नहीं इस मोड में, बस इतना ही। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।